हम देखते हैं, हम देख लेते हैं इंटरनेट शब्दावली। अटैचमेंट या अनुलग्न लगनक, यही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की फाइल, मेल, संदेश के साथ जोड़कर इंटरनेट के माध्यम से किसी को भी भेजी या प्राप्त की जाती है। फिर है आस्की, इसका अर्थ है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह नोटपैड में सुरक्षित किए जाने वाले टेक्स्ट का वाई डिफॉल्ट फॉर्मेट है। यह यदि आप नोटपैड में किसी टेक्स्ट को प्राप्त कर रहे हैं तो वह फॉर्मेट ASCII है। फिर बात करते हैं ऑटो कंप्लीट। यह सुविधा ब्राउजर की एड्रेस बार में होती है। इसके शुरू में कुछ डाटा टाइप करते ही URL पूर्ण हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि URL पहले प्रयोग किया गया हो। फिर एंटीवायरस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम से कंप्यूटर की मेमोरी या संगणक या संचिका में छुपे हुए वायरस को ढूंढ निकालने या संभव हो तो नष्ट करने की क्षमता होती है। ब्रैंड विड्थ, इसके द्वारा इंटरनेट को स्पीड नापी जाती है। ब्रैंड विड्थ जितनी अधिक होगी इंटरनेट की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर बुक मार्क, ब्राउजर में स्थित विशेष लिंक जो किसी विशेष सेक्शन में लिंक बनाने में मदद करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में यह फेवरेट कहलाता है। कैश या टेम्पररी इंटरनेट एक्सप्लोरर, सर्फिंग के दौरान वेब पेज और उससे संबंधित चित्र एक अस्थायी भंडार में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये तब तक नहीं हटते जब तक कि इन्हें हटाया ना जाए या ये रिप्लेस ना हो जाए। एक ही वेबसाइट पर जाना उतना ही आसान होता है क्योंकि समान कंटेंट डाउनलोड की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप अलग अलग साइट्स पर विजिट कर रहे हों तो ये फाइल आपकी स्पीड कम कर देती है। फिर एक कुकी, यह वेब सर्वर द्वारा भेजा गया डेटा होता है जिसे ब्राउजर द्वारा सर्वर के कंप्यूटर में एक संचिका में स्टोर कर लिया जाता है। डी मॉड्यूलेशन, मॉडेम से प्राप्त एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में बदलने की प्रक्रिया को डी मॉड्यूलेशन कहलाते हैं। फिर डाउनलोड, किसी संचिका को वर्ल्ड वाइड वेब से कॉपी करने की प्रक्रिया डाउनलोड कहलाती है। क्षेत्रीय नाम पंजीकरण, किसी भी कंपनी को अपनी विशिष्ट पहचान कायम रखने के लिए अपनी कंपनी का नाम पंजीकरण करवाना होता है। यह प्रक्रिया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरह की देख रेख में चलती है। फिर ई कॉमर्स, इंटरनेट पर व्यापक लेखा जोखा रखने की प्रक्रिया और नेटवर्क पर खरीदी बिक्री की प्रक्रिया ई कॉमर्स कहलाती है। फिर होम पेज, वेब ब्राउजर से किसी साइट को ओपन करने की करते ही जो पेज सामने खुलता है वह उसका होम पेज कहलाता है। ऐप ए क्यू, फ्रिक्वेंसी अस्ड क्वेश्चन, वेबसाइट पर किसी खास विषय से जुड़े प्रश्न वेबसाइट पर ऐप ए क्यू के माध्यम से प्रश्न भी भेजे जा सकते हैं। डायल अप कनेक्शन, एक कंप्यूटर से मॉडेम द्वारा इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से स्टैंडर्ड फोन लाइन पर कनेक्शन को अब डायल अप कनेक्शन कहते हैं। डायल अप नेटवर्किंग, किसी पर्सनल कंप्यूटर को किसी अन्य पर्सनल कंप्यूटर पर लैन और इंटरनेट से जोड़ने वाले प्रोग्राम को डायल अप नेटवर्किंग कहते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन, किसी कंप्यूटर या लैन और इंटरनेट के बीच स्थायी संपर्क को डायरेक्ट कनेक्शन कहा जाता है। यदि फोन कनेक्शन कंपनी से टेलीफोन कनेक्शन लीज कर लिया जाता है तो उसे लीज्ड लाइन कनेक्शन कहते हैं। फिर संचिका, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट के लिए उपयोग होने वाली मानक मार्कअप भाषा HTML भाषा टैग का उपयोग करती है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्वर से किसी यूजर तक दस्तावेज को ट्रांसफर करने वाली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल HTTP कहलाता है। ठीक है।